Tejas, how are you doing? Hey, Nidhi. Good, good, good to see you people here after a long, long time, though. But chalo, we'll start with a lecture as well. Very good evening. आज फुल प्लान है एकदम. या इट्स वेरी लॉन्ग, आई नो. आई वॉज स्टक अप विथ सम वर्क एंड यू कैन सी दैट, यू नो, आई वॉज लिटली बिजी विथ लॉट ऑफ थिंग्स. आज थोड़ा बातें करते. क्यों, इतना दिन बातें नहीं हुआ पांडे के साथ, आई मीन सुधांशु के साथ? हाँ. आ जा आ जा, तू आ जा, इधर आ जा फिर. मैच के बीच में टाइम नहीं मिलता है. आई नो आई नो. जस्ट मुझे बताना, ये स्क्रीन आपको दिख रहा है क्या? हाँ, लेट मी सेल शेयर माई स्क्रीन ओनली. या इज इट विजिबल? यप, है ना, विजिबल है. चलो, वेरी गुड. अच्छा, एक और चीज़, अब ये विजिबल है क्या, ये भी बताओ मुझे. इज इट विजिबल? चलो गुड. स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? चलो नाइस. चलो, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे ऑन डीआई, दैट्स डेटा इंटरप्रिटेशन. ठीक है, तो इस बार मैं कुछ सवाल आप लोगों से पूछूंगा. बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी टेल यू सम क्लैरिटी ऑन दिस. हाउ मेनी ऑफ यू स्टिल फील लो ऑन कॉन्फिडेंस दैट आई एम नॉट येट प्रिपेयर फॉर कैट? ऐसे कितने लोग को लगता है? डू यू स्टिल फील दैट थिंग? सही जवाब देने पर मिलेंगे मेरी तरफ से एक पंच. मी 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 मी. हाँ, सो एवरीबडी फील्स द सेम यार. सी इफ यू आर फीलिंग दिस मूड स्विंग्स के हिसाब से. अगर आपको लगता है दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर कैट और एंट्रेंस एग्जाम, जो हमें लगता है ना यार, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, तो यकीन मानो यू आर प्रिपेयर्ड. ठीक है, इफ यू आर नर्वस, इफ देर इज लिटिल फियर, इफ देर इज, वेरी गुड. तू कैट देता था ना जुगल, तो वो आई एम तुझे ढूंढते हुए घर तक आते. ठीक है, और तेरे को पकड़ के मेरे को भी पकड़ लेते थे. बोलते थे, भाई तूने कोशिश भी कैसे की, हाउ डिड यू इवन डेयर टू टेक दिस एंट्रेंस एग्जाम? सो थैंक यू फॉर सेविंग योर लाइफ एंड माई लाइफ. ठीक है ना. तो अच्छा है जो तुमने नहीं दिया. सो डी आई, अगर आप कैट एग्जाम देते हो, ऑफकोर्स वंस वी फिनिश आर कैट एंट्रेंस एग्जाम, वी सून गोना स्टार्ट विद आर सीईटी एंड स्नैप एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशंस. दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डू. बट कैट एग्जाम जितने लोग दे रहे हैं और बाकी लोग जो नहीं दे रहे उनके लिए भी, क्योंकि सीईटी में भी डी आई आने वाला है. सो डी आई इन कैट, डी आई एंड एल आर ऐसा क्लब होके आता है कि अराउंड 32-35 क्वेश्चन के बीच में आ सकता है. ठीक है, 32-35 क्वेश्चन के बीच में आ सकता है. उसमें से 8 ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो सब्जेक्टिव रहते हैं. ठीक है, जो नॉन नेगेटिव मार्किंग रहते हैं. तो उसमें से मोटा मोटी पकड़ लो यार, एक 4 तुम्हारे डी आई के आ जाएंगे और 4 मे भी तुम्हारे एल आर के आ जाएंगे. दैट इज वॉट आई एज्यूम. तो 4 क्वेश्चंस भी अगर तुम्हें मिल जाते हैं जो नॉन ऑब्जेक्टिव है, तो वो तुम सॉल्व कर सकते हो. जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जो एमसीक्यूज हम जिसे बोलते हैं, इस क्वेश्चन में देखो, कैट को ना हम बड़ा गलत तरीके से लेते हैं, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, मैं कैट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हम लोग बड़ा गलत तरीके से लेते हैं. हमें क्या लगता है कि मैं कितना अटेम्प्ट करूँ और कितना नहीं. 100 क्वेश्चंस हैं, 100 में से अगर तुमने पूरे 100 अटेम्प्ट कर लिए तो भी आईआईएम बुलाएगा. 100 क्वेश्चन है, अगर 50 अटेम्प्ट कर लिए तो भी आईआईएम बुलाएगा.
33% ऑफ योर आंसर्स आर करेक्ट, तो भी आई एम बुला है, ठीक है। सो इट डज नॉट मैटर तुम कितना अटेम्प्ट कर रहे हो, पॉइंट ये है कि मैं कितना सही अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कितना सही अटेम्प्ट कर रहा हूँ। इनकेस इवन इफ आई एम डजेंट कॉल यू, देर आर प्रिटी लॉट ऑफ गुड बी स्कूल विच इज गोइंग टू कॉल यू। बहुत सिंपल चीज है, इफ यू आर टारगेटिंग वेलिंकर्स, तो वेलिंकर्स विल टेक सीईटी स्कोर्स ऑफ अराउंड 99.99% है, और मे बी 99.8% है, या मे बी 98% है, दैट इज द लीस्ट दैट दे विल गो। बट इफ यू आर अप्लाइंग टू वेलिंकर्स थ्रू कैट, योर परसेंटेज ड्रॉप्स डाउन टू 85%। इस बात को समझो, देर आर लॉट ऑफ गुड बी स्कूल्स विच विल ड्रॉप देयर कट ऑफ बिकॉज ऑफ द IIMs, because IIMs and other B schools take the percentile of around 90, 91, 92, 93, 94, 95 till 99. So, बाकी colleges जो है 85 के ऊपर वाले percentile पे ले लेते हैं, तो CAT का ये benefit आ जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि CAT तो because that is going to help you। आप उस college में जाना है तो 85 स्कोर करके जाओ या 98 स्कोर करके जाओ, कौन सा आसान लगता है वो तुम लोग सोचो, ठीक है। तो अब DI में भी क्या है कि हमें हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, हमें ये देखना है कि विचार दी क्वेश्चंस जहां पे मुझे मैथ्स कैलकुलेशंस कम लगे, कि मैं कम से कम कैलकुलेशंस करूँ, कम से कम टेक्निक्स यूज करूँ, और उसके साथ आई कैन जस्ट क्रैक इट एंड आई कैन जस्ट फिनिश विद इट। मेरा यही अटेम्प्ट रहता है, अगर मैं DI के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो ये कोशिश करूँ कि मैं कितना जल्दी खत्म कर पाऊँ, या मैं ऐसे क्वेश्चन चूज करता हूँ जो मैं इजिली सॉल्व कर पाऊँ। मेहनत मत करो, आपको कोई अवार्ड नहीं देगा, भाई ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तूने ये अटेम्प्ट किया, मेरी तरफ से गोल्ड मेडल, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। So you just need to be smart enough to pick up only those questions which you are very much sure of. ठीक है, so we are hitting with the first question. अगर मैंने उनसे ऐसे बात की ना तो वो बोलेगा जो कैंडिडेट टेस्ट दे रहा है ना उसको हटा दो, तो इट इज बेटर कि मैं भी बात ना करूं उनसे, ठीक है। सो लेट्स फोकस ऑन आर मुझे खुशी होगी, ठीक है। तो ऑल दोज हु आर न्यू एंड अटेंडिंग माय लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम, देखो मेरे इसमें ना बकवास बहुत ज्यादा होती है, मतलब बकवास इन द सेंस ऑफ कोर्स आई टॉक सेंस, आई एम वेरी सेंसिबल गाय, कोई तारीफ नहीं करता, मैं खुद की तारीफ खुद कर लेता हूँ, तो इसलिए यू नो अप्लाई करते हैं। चलो एग्जाम्पल वन, कैट में पूछा गया सवाल है, नीचे क्वेश्चन भी दिया गया है, आप इसमें से मुझे क्विकली कोई भी एक जन बताओ, हाउ विल यू गेट इट, हाउ विल यू स्टार्ट सॉल्विंग इट, तुम लोग इसे कैसे सॉल्व करोगे। नहीं जमा कोई बात नहीं, आई विल एनीवेज, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अगर स्क्रीन शेयर किया ना, ये क्या है, इज माई स्क्रीन नॉट विजिबल, स्क्रीन शेयरिंग हो गया है रे, लेट मी चेक व्हाट हैपेंड, मेरे इधर तो दिखा रहा है सारा, सबको प्रेजेंट हो रहा है करके, हद है। लेट मी सी अब दिख रहा है, is it visible, अब तो आना चाहिए यार, अब्रार दिख रहा है, है ना, चलो गुड। तो अभी ये सवाल है, यस संतोषी मोस्ट वेलकम, I believe it's your first class now today, so you're going to start with DI and I am the worst faculty, पता है? मैं पढ़ाता हूँ, आधे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आती है चीजें, तो don't get scared, नहीं समझा तो मुझे जरूर पूछना, ठीक है, जिसको भी नहीं समझा तो मुझे जरूर पूछ लेना। Yes, Abrar, I know it's your first class, तो मैं बहुत fast पढ़ाता हूँ Abrar, अगर नहीं समझा, बहुत आधे से ज्यादा को तो नहीं समझता है मेरे ख्याल से, बट इनकेस आपको ऑल आर सेंडिंग, थोड़ा तो एक्टिंग करने दो भाई मुझे
चलो चलो, वेलकम विद द क्वेश्चन. आई एम नॉट स्कैरिंग यू गाइस, आई विल गिव माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड. इफ फॉर ईच ईयर द स्टेट्स आर रैंक्ड इन टर्म्स ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेल्स टैक्स कलेक्शन, देन हाउ मेनी स्टेट्स डोंट चेंज देयर रैंकिंग मोर देन वंस ओवर द 5 ईयर्स. 1, 5, 3, 4 ये ऑप्शंस है. अब इसमें से कैसे सॉल्व करोगे, हाउ विल यू डू इट? सबके पास पेन पेपर है, एवरीबडी शुड कैरी दैट, यू नो, बिकॉज यू कैन सॉल्व लॉट ऑफ थिंग्स. यस यू हैव दैट राइट. जिसके पास नहीं है दौड़ के जाओ, पेपर पेन लेके आ जाओ, बिकॉज यू कैन सॉल्व इट. बस दो चार पन्ने जिसको नहीं रहेगा उसको दे दे, ठीक है. So these are the states, that is West Bengal, UP, TN, MA, KA, GU, AP. Okay, these are the states. And we have to find out the sales as per the descending order. Hame find out karna hai that how many states don't change their ranking more than once. Matlab ek bar kiya rahega to chalega. More than once over the 5 years. 5 years matlab 96 to 2001 hai. ठीक है, सो इट कम्स डाउन टू योर 5 ईयर्स. सो हमें ये देखना है इफ फॉर ईच ईयर कौन सा स्टेट ऐसा है जिन्होंने अपनी रैंकिंग चेंज नहीं किए एक से ज्यादा टाइम, मोर देन वन टाइम. सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट कि 96 में एपी का डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, तो एपी का रैंकिंग क्या था. सो हाउ विल यू फाइंड आउट द रैंकिंग, यहाँ पे कोई बता सकता है आप रैंकिंग कैसे फाइंड आउट करोगे एपी का? सिंपल सा क्वेश्चन, हाउ विल यू फाइंड आउट? डिसेंडिंग ऑर्डर, सो वी हैव टू टेक द फर्स्ट द बिगर नंबर फर्स्ट. यस, द बिगर नंबर कम्स फर्स्ट, वेरी गुड, है ना. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एपी काउंट, ये देखो एपी मतलब डॉट डॉट से, सब एपी नहीं है, ठीक है, एपी इज आंध्र प्रदेश. सो ये डॉट डॉट से, तो ये आया 3526. अब 3526 के पहले कितने नंबर्स हैं? 17290, तो 1 वो हुआ. 5341, 2, 40263, उसके बाद कोई है क्या? नहीं. तो एपी का रैंकिंग क्या आएगा 96 टू 97 में? फोर्थ, ठीक है. वैसे अब एपी के रैंकिंग्स पहले ढूंढ के निकालो. फिर ये जीयू, जीयू मतलब गुजरात, तुम कुछ और मत समझ लेना जुगल, ठीक है. Yes, sir. हाँ, जीयू मतलब गुजरात. और वैसे हर एक स्टेट का ढूंढ के निकालो व्हाट इज द रैंकिंग, एक टेबल बनाओ, रैंकिंग ढूंढो, और उसके बाद हम एक आंसर पे आ जाएंगे. वंस अगेन, ठीक है, एपी मतलब आम आदमी पार्टी ने, इट्स कॉल्ड एज आंध्र प्रदेश, है ना. तो एपी का इसमें हमें रैंकिंग ढूंढना है. एपी कौन सा है? डॉट 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 डॉट्स, है ना, मतलब ये जो डॉट्स वाला है वो एपी है. तो यहाँ पे डॉट्स कहाँ पे दिखाई देते हैं? ये वाला, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला डॉट्स है. तो छोटा वाला डॉट्स मतलब एपी. अब इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर किसका है? 7290, है ना. तो 7290 को रैंकिंग क्या देंगे? 1. 7290 मतलब क्या हुआ? वेस्ट बंगाल आया ना, कि महाराष्ट्र आया, महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र आया. उसके बाद सेकेंड रैंकिंग किसको देंगे हम लोग? ये 5341, 5341 कौन सा है? तमिलनाडु, ठीक है. थर्ड रैंकिंग क्या है? ये चेक्स जो है 4026, दैट इज जीयू गुजरात, दैट इज दी रैंक 3. और उसके बाद फोर्थ रैंकिंग क्या है? एपी, दैट इज 3526. फिर फिफ्थ रैंकिंग क्या है? 3473, है ना, ये कौन है? यूपी. और फिर 2704, इफ आई एम करेक्ट, यस करेक्ट. तो वैसे हर किसी को एक एक रैंकिंग आप देते जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो रैंकिंग्स आप करेंगे वो देते जाओ. लास्ट में एक टेबल बनेगा, उस टेबल के हिसाब से यू विल बी एबल टू आंसर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन. एनी डाउट्स?
क्वेश्चन का मतलब ये है, द स्टेट्स आर रैंक्ड इन टर्म्स ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेल्स टैक्स कलेक्शन, हाउ मेनी स्टेट्स डोंट चेंज देयर रैंकिंग मोर देन वंस। अभी फॉर एग्जांपल एपी का 4 है, तो एपी कॉन्स्टेंटली 96 से लेके 2001 तक फोर्थ ही रैंक पे है क्या? क्या उसने रैंक चेंज किया है, 4 की जगह 3 हुआ है, 3 की जगह 2 हुआ है? वैसे हमें टेबल बनाना है, ठीक है? तो एक बार टेबल बनेगा तो उसके बाद हम चेक कर पाएंगे कौन से स्टेट ने रैंक चेंज किया है, ठीक है? चलो गुड। चलो हुआ। ओके नो प्रॉब्लम्स। वामशी कम्स विद 4। सर या सर, अगर जो स्टेट्स एक बार भी चेंज नहीं हो रहा है रैंकिंग, उसका भी आएगा ना? हाँ, यू हैव टू इंक्लूड दैट आल्सो। नो ओके, स्टेट डोंट चेंज देयर रैंकिंग मोर देन वंस। तो जिन्होंने रैंक चेंज नहीं किया वो भी, मोर देन वंस मतलब एक से ज्यादा जिन्होंने चेंज नहीं किया वो लोग। ओके सर, ओके। हाँ ओके, तेजस कम्स विद ऑप्शन 2। सर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। ओके
और किसी ने तो आंसर दिया था, मुझे दिखाई नहीं दिया। शिवानी सेज 4, जुगल सेज ऑप्शन 2, ठीक है, प्रियांशी सेज ऑप्शन 2, अक्षता सेज ऑप्शन 4, वामशी सेज ऑप्शन 2, ऋतुजा खोले ऑप्शन 2, ओके, एंड स्वाति सेज आंसर बता रही 5, ओके ओके फाइन। अंशिका सेज ऑप्शन 4, ओके, 5 स्टेट्स 3, देवेश सेज ऑप्शन 2, ऋतिका सेज ऑप्शन 2, ऋतिका वेयर इज योर फ्रेंड, कार्तिकी सेज ऑप्शन 2, मानसी ऑप्शन 4, कृपा ऑप्शन 2, ठीक है ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, सो हूएवर हैज सेड ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। कितने लोग को नहीं मिला ये आंसर? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, कितने लोग को नहीं मिला? 4 मिला, कैसा मिला? ठीक है, अपने को सवाल क्या पूछा गया है, हाउ मेनी स्टेट्स डोंट चेंज देयर रैंकिंग मोर देन वंस ओवर द 5 ईयर्स। यस आई विल एक्सप्लेन रुतिका, पूरा जिंदगी मेरा एक्सप्लेनेशन में गया है कसम से, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। अरे पक्का पक्का एक्सप्लेन क्यों नहीं करूंगा भाई, मैं एक्सप्लेनेशन में तो अपना एक्सपर्ट है। अरे ये क्यों नहीं खुल रहा मेरा यहाँ से, चलो आई विल एक्सप्लेन इट। पहला क्वेश्चन सबको समझा, हाउ मेनी स्टेट्स डोंट चेंज द रैंकिंग मोर देन वंस ओवर द 5 ईयर्स, एवरीबॉडी गॉट दिस राइट, कितने स्टेट्स ने अपना रैंकिंग चेंज नहीं किया है इन 5 ईयर्स, यहाँ से लेके मतलब 96 से लेके 2001 तक, एंड हाउ डिड वी फाइंड इट, एपी जो यहाँ पे तो एपी इज 3526, सीरियल वाइज इसका रैंकिंग लगाओ तो एपी का रैंकिंग 4th आता है। इस हिसाब से अगर मैं वर्कआउट करता हूँ, ठीक है, तो दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन बोर्ड, सो दिस इज आवर टेबल, आई बिलीव यू ऑल शुड हैव गॉट दिस टेबल, 96 से लेके कहाँ कहाँ तक अपना गया, सो यू कैन सी दैट एपी इज 96 टू 97 में उसका रैंकिंग 4 है, बाकी सब जगह 3-3-3 है, जीयू इसका 96 में 3 है, बाद में 4 है, बाद में 5 है, तो जीयू ने 3 बार अपना रैंकिंग चेंज किया है, के का एक ही बार रैंक चेंज हुआ है, पहला 5 है, बाद में सब 6-6-6-6-6 है, एमए का कॉन्स्टेंट है दैट इज महाराष्ट्र, वो 1 पे ही रहा है, टीएन जो है तमिलनाडु वो 2 पे ही रहा है, कॉन्स्टेंट है, यूपी का रैंकिंग मोर देन वंस चेंज हुआ है, तो 6 फिर 5-5-5 फिर 4 आया है, और वेस्ट बंगाल ये कंटिन्यूसली 7 आया है, तो कितने स्टेट्स ने अपना रैंकिंग मोर देन वंस चेंज नहीं किया है, तो महाराष्ट्र आता है, तमिलनाडु आता है, वेस्ट बंगाल, ये 3 तो पहले आ गए, आंध्र प्रदेश एक आ गया 4, और 5वां आ जाता है कर्नाटक, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2 एंड दैट इज योर आंसर। Got it? इतने लोग को नहीं समझा, नहीं समझा, ओके, आज फर्स्ट टाइम पेन पेपर यूज करने, अरे मेरे साथ रहेगा ना पेन पेपर बहुत तेज चले। अच्छा यशिता और जितने लोग अभी ज्वाइन किए हैं उनको मैं एक बार एक्सप्लेन करा दूं, सर एक बार एक्सप्लेनेशन बोर्ड दिखाओ, हाँ वेरी गुड, ये है ना इंटेलिजेंट वाली बात, ठीक है, अब ये चीज़ देख लो आप लोग, ठीक है, कहीं पे भी अगर आपको कमेंट लग रहा है, आपको लगता है कि यू हैव टू शेयर समथिंग और कमेंट करना है तो करो। क्वेश्चन क्या था अपना, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टेट्स डोंट चेंज देयर रैंकिंग मोर देन वंस ओवर दी 5 ईयर्स, कौन से 5 ईयर्स, 96 से लेके 2001, 5 साल होता है, ठीक है, कितने स्टेट्स ने अपनी रैंकिंग ही चेंज नहीं की ओवर दी पीरियड ऑफ 5 ईयर्स,
इन टर्म्स ऑफ सेल्स कलेक्शन। अब ये जो नंबर्स लिखे हैं ना, ये पॉपुलेशन नहीं है, ये उनका सेल्स कलेक्शन है, ठीक है, ये सेल्स कलेक्शन है, ये जो है ये सेल्स कलेक्शन है। अब एपी मतलब ये डॉटेड वाला जो है, ये ना डॉट 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 जो है, ये एपी है, तो एपी 3526 है, तो इसका टेबल में मैं रैंकिंग कैसे डालता हूँ, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है, 7290, फिर मैं उसको देता हूँ रैंक 1, 7290 के बाद कौन सा नंबर मुझे दिखाई देता है बड़ा, 5341, उसको मैं देता हूँ रैंक 2, उसके बाद तीसरा कौन सा बड़ा दिखाई देता है, 4026, उसको मैं देता हूँ रैंक 3, और 4026 के बाद कौन सा रैंक मुझे दिखाई देता है, नंबर दिखाई देता है, वो है 3526, उसको मैं देता हूँ रैंक 4। अब उसके बाद 3526 के बाद और कौन सा दिखाई दे रहा है क्या मेरे को यहाँ पे, ये है ना 3510, तो उसको मैं देता हूँ रैंक 5, फिर दिखाई देता है 3473, उसको देता हूँ रैंक 6, उसके बाद फिर दिखाई देता है 2704, उसको मैं देता हूँ रैंक 7। अब इस हिसाब से ये मेरा टेबल बन जाता है, 96 में उसका रैंक 4 था। अब यही एपी का रैंक बाद में यहाँ पे चेंज हो गया, अब यहाँ पे क्या आया है, एपी का रैंक ये 7826 सबसे बड़ा आया, ठीक है, 7826 के बाद कौन सा आया, 5604 आया, ठीक है, उस दोनों के बाद और कोई है क्या बीच में, नहीं, 4728 है, तो 4728 कौन सा रैंक आएगा, फिर 3 आएगा, बराबर एपी का। अब वही एपी का मैं दूसरे इसमें जाता हूँ, यहाँ पे भी क्या है सबसे बड़ा 8067, उसको रैंक 1, फिर क्या है 6113 रैंक 2, फिर उसके बाद कोई नंबर बड़ा दिख रहा है क्या आपको यशिता, कोई रैंक बड़ा नहीं है, तो हमको क्या लगता है 5251 इज दी थर्ड वन, जो तीसरा यही बड़ा है, सो इसमें हम लोग वापस एपी को क्या रैंक देते हैं, रैंक 3। अब 99 to 2000 में एपी का रैंकिंग देखो क्या है, ये 1 हुआ सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद 2 क्या हुआ, ये 7000 वाला बड़ा नंबर हुआ, 7000 के बाद सबसे उसके बाद वाला नंबर कौन सा आता है डायरेक्टली 605 है, 6055 से और कोई बड़ा है कि यहाँ पे 7000 से कम और 6055 से ज़्यादा कोई है क्या, कोई नहीं है, मतलब एपी वापस क्या आया, रैंक 3 पे आया, तो मैं वापस यहाँ पे रैंक 3 लिख देता हूँ। अब 2000 से लेके 2001 तक, अब यहाँ पे एपी का रैंकिंग चेक करो, 1203 है, 12034 है, फिर 8015 है, 8015 के बाद और कोई है क्या बीच में, कोई नहीं, फिर 7202 है, फिर एपी का रैंक क्या आया, 3। ऐसे हर स्टेट का मैं एक एक रैंक ढूंढते जाता हूँ, ठीक है, और जब मैं ये रैंक ढूंढते जाता हूँ, ये सब ढूंढने के बाद मेरे पास एक टेबल बन जाता है, इधर तक समझा हर किसी को, ऐसा कोई है जिसे नहीं समझा होगा यहाँ पे, एनीवन हु डिडंट अंडरस्टैंड, इतना समझा ना सबको, हाँ तेजस तेरे को समझा भाई, यस समझा, वेरी गुड संतोष, अक्षता वेरी गुड, सबको समझ रहे यहाँ पे ना, गुंजन गुंजन है क्या यहाँ पे, गुंजन, वंशिका वंशिका और तेजस्विनी, वेरी गुड क्षितेज, वेरी गुड, यहाँ तक सबको समझा। अब हमारा बन जाता है टेबल, ठीक है, अब टेबल बनने के बाद उसने क्या पूछा है कि हाउ मेनी स्टेट्स डोंट चेंज देयर रैंकिंग मोर देन वंस, मतलब एक बार चेंज किया रहेगा तो ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं चलेगा भाई मेरे को, एक बार किया तो चलेगा, तो ऐसे कितने स्टेट्स हैं, अब तीन स्टेट्स तो मेरे को पता है जिनका रैंकिंग ही चेंज नहीं हुआ है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, तो तीन तो पक्के हैं। अब ऐसे कौन से दो स्टेट है जिन्होंने सिर्फ एक बार रैंक चेंज किया है, तो एपी का एक ही बार रैंक चेंज हुआ है ना, 4 से बाद में 3, फिर वापस चेंज हुआ है क्या उसका, नहीं हुआ है, तो एपी को कंसिडर करता हूँ। गुजरात का क्या स्टेटस है, गुजरात के दो तीन रैंक्स है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो ये मेरे को नहीं चलेगा। के का क्या है, एक 5 है और बाद में सब 6 है, तो मतलब एक ही बार रैंक उसने चेंज किया है, तो उस हिसाब से ये यूपी का भी देखो, इसका भी दो एक से ज़्यादा रैंक है, 5 है, 4 है, 6 है, तो 5 स्टेट से वन मोर देन वंस में कौन कौन आता है, एक एपी आ जाता है आपका और एक के आ जाता है, और ये तीन तो बाय डिफॉल्ट कंसिडर है, इनका एक ही रैंक पे है, तो ये तीन है, कर्नाटका एक ऐड कर देता हूँ 4 और एपी एक ऐड कर देता हूँ 5, सो माय करेक्ट आंसर विल बी 5। नहीं समझा रहेगा तो पूछो, गॉट इट, समझा, कुछ मैथ्स का कुछ जरूरत नहीं है इसमें,
है ना, ये सबसे पहला आपका जो फियर रहता है ना कि यार मैथ्स है ये है, कोई जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चंस हम बिना मैथ्स के सॉल्व कर सकते हैं हम करेंगे, ये अच्छे से समझाना। मैं आदमी एकदम सरस छे है। चलो मस्ती मजाक अपना चालू रहना चाहिए, तब जाके पढ़ाई होगी ना। सिर्फ सीरियस पढ़ाई करते रहेंगे तो कैसा होगा अपना। चलो सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज चेंज्ड इट्स रिलेटिव रैंकिंग मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन यू रैंक द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ डिसेंडिंग वॉल्यूम ऑफ सेल्स टैक्स कलेक्शन ईच ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, इन चार में से चूज करना हैज चेंज्ड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन यू रैंक देम इन द डिसेंडिंग वॉल्यूम ऑफ सेल्स टैक्स कलेक्शन, है ना। ये तो एकदम सुपरमैन जैसा है, अप 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 द एयर और अप द वे, ऐसा कुछ था उसका, सिंपल है। किसको नहीं समझा? तेजस्विनी समझा आपको? कृतिका, अब्रार, वेरी गुड। संतोषी, अनुजा, अनुजा तू बात ही नहीं करती है। कृतिका, एवरीबडी, है ना, सिंपल है। उसने क्या पूछा, कितने बार अपना रैंक चेंज किया है? तो आंध्र प्रदेश है, हमको पता है एक ही बार हुआ है, कर्नाटका एक ही बार हुआ है, तमिलनाडु नंबर वन पे है टेबल के हिसाब से, और यूपी है जिन्होंने रैंक चेंज किया है। तो हम सीधा सीधा यूपी पे क्लिक कर देते हैं। क्या हो गया, एवरीबडी इज डिफरेंट, मतलब समझा नहीं मैं क्या बोला। क्या बोला जुगल, कम अगेन? जो बात नहीं करते उनको कन्विंस करो कि बात करने को, ऐसा। योर क्वेश्चन हर्ट मी यर, वेरी गुड क्वेश्चन। यस, देखो जुगल को पता है। जुगल इज अवेलेबल, ठीक है। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज शेयर ऑफ सेल्स टैक्स रेवेन्यू ऑफ विच स्टेट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 97 टू 2001। इसमें थोड़ा सा आपको मैथ्स करना पड़ेगा, ठीक है, बट आई विल एक्सप्लेन यू, उसका कोई चिंता नहीं है। बट थोड़ा सा, हाउ डू यू सॉल्व अपना परसेंटेज, वो मैटर करता है। कौन से स्टेट है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है ना। तो अपने को ये यहाँ से फाइंड आउट करना है सेल्स टैक्स के हिसाब से। सो लेट्स सी, ये आपका सेकंड वाला सॉल्यूशन था और ये आपका, लेट्स कैलकुलेट फॉर तमिलनाडु। अभी हम तमिलनाडु को कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज शेयर ऑफ टीएन इन 96 एंड 97, उसका रैंकिंग देखो तमिलनाडु का क्या है वहां पे। तमिलनाडु का क्या सीन था वहां पे, 4351 था बराबर, उसको मैं करता हूँ 29870। टोटल कैलकुलेट करता हूँ 96 से 97, जितने नंबर्स है उन सारे नंबर्स को मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद एक नंबर मुझे मिलता है, वो है 29870, उसको मैं इनटू 100 करता हूँ बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज। तो मुझे परसेंटेज मिलता है 17.88। अब मुझे देखना है 2001 तक तमिलनाडु का शेयर क्या हो गया। अब 2001 में भी सेम चीज करता हूँ, 2001 पे तमिलनाडु क्या है 8015 ग्राफ के हिसाब से, और टोटल कैलकुलेशन करके क्या आता है 49639। इसको मैं इनटू 100 करता हूँ, परसेंटेज आ जाता है 16.15। अब ऐसे करके बाकी चीजों का आप थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ट्राई टू फाइंड आउट।
ये तीन चीजें ही फाइंड आउट करना है, कर्नाटक का फाइंड आउट करना है, गुजरात फाइंड आउट करना है, आंध्र प्रदेश फाइंड आउट करना है। किसको नहीं समझा रहेगा तो जस्ट लेट मी नो। एज इंक्रीज्ड, किसका इंक्रीज हुआ है ये हमें फाइंड आउट करना है। श्योर तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इसका इंक्रीज हुआ तो मैंने आपको तमिलनाडु का करके बताया, वैसे ही आपको हर एक स्टेट का फाइंड आउट करना है। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो बेशक। लेट मी नो व्हाट इज द आंसर। ऐड कर ऐड कर ऐड कर ये सगळे ऐड कर। 270435 सर्वे ऐड कर। लगेज अक्षता ऐड ऑन ऐड ऑन। तमिलनाडु मैंने कर दिया फाइंड आउट फॉर अदर स्टेट्स। सी तमिलनाडु तो क्या है इकड़े रेट 5341 5341 अपॉन एड ऑल दिस नंबर्स, फिर वो जो नंबर आएगा वो नीचे लिख देने का इनटू 100 कर देने का एंड व्हेन यू गेट द आंसर वो पॉइंट में आंसर मिलेगा। 16-17% कुछ तो पॉइंट में आंसर मिलेगा, वो पॉइंट में आंसर आपको मिलता है यहाँ सर। क्वेश्चन देखो ना। श्योर सीधी क्वेश्चन। द परसेंटेज शेयर ऑफ सेल्स टैक्स रेवेन्यू ऑफ विच स्टेट has increased from 1997 to 2001. So Tamil Nadu I have done. Now you have to find out only Karnataka, Gujarat and Andhra Pradesh. Has increased its revenue. ठीक है, the percentage share of sales tax has increased from 1997 to 2001. So which is that state? कैलकुलेट करो ठीक से। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। व्हाई एपी डू यू थिंक इट्स द आंसर?
एपी एवरीबडी सबने किया वेरी गुड। और कितने लोग को मिला है एपी एपी एपी? कितने लोग को नहीं समझा ये चीज? यू डिडंट गेट दिस? वेरी गुड, एवरीबडी गॉट इट। वेरी गुड देवेश, वैशाली, पूजा, वेरी गुड। समीर है क्या यहाँ पे? समीर, स्वाति, डिड यू अंडरस्टैंड? अबरार, संतोषी, तेजस्विनी, है ना? आप सबको समझा ना? ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इज तमिलनाडु रे। प्राचेत, वेरी गुड। ऑप्शन 1 है कि ऑप्शन 4? हाँ करो करो, रितिका करो, नो प्रॉब्लम्स। गुड विशाखा, हो गया सबका? हो गया? इज एवरीबॉडी डन? यस, आई विल एक्सप्लेन। दिस इज द आंसर। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, ये तमिलनाडु का किया 5341। कहाँ से मिला मुझे 5341? तमिलनाडु का 96 के हिसाब से 5341 ये मुझे यहाँ से मिलता है, ठीक है? और ये सबको अगर मैं ऐड करता हूँ, इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे एक आंसर मिलता है, वो है 29870। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, इंटू 100 करते हैं। सो आंसर आ जाता है मेरा यहाँ पे 17.88 आ जाता है, ठीक है? फिर तमिलनाडु का मैं दूसरा करता हूँ कि यार, हाँ परसेंटेज, सर हाँ सर, लेकिन कैलकुलेट 1997 का करना है ना, अपन आपने 96 to 97 का लिया है। अच्छा सॉरी, वो मेरा वहां पे ये हुआ रहेगा, ठीक है? वो हाँ नंबर ऑफ इयर्स में प्रॉब्लम हो रहेगा, बट मैं तुमको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो आपको बेसिकली ये नंबर्स जो रहते हैं, ठीक है, ये नंबर्स जो रहते हैं, मैंने 96 का पकड़ा है एक्सप्लेनेशन के लिए, बट आप 97 से कर रहे होते, परफेक्ट। तो आप जब ये कैलकुलेशंस करते हो, हाँ, तो आप ये जब कैलकुलेशंस करते हो तो आपको ये नंबर पकड़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आंध्र प्रदेश है, तो अगर मैं यहाँ पे एपी पकड़ता हूँ तो एपी का यहाँ पे काउंट क्या आता है मुझे? 4728। तो 4728, और ये सारा कॉलम मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये सारा कॉलम मैं ऐड करने के बाद मुझे एक आंसर आ जाता है। तो जब वो आंसर आ जाता है तो उसको मैं इंटू 100 करता हूँ, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया। अभी ये वाला आप ध्यान मत दो, ये मैंने 96 to 97 पकड़ा है, बट बाकी सब चीज़ों पे इफ यू सी द एपी का परसेंटेज क्या था 96 to 97 में? 11.80, और 2001 तक क्या आया? 14.50। तो ये क्या हुआ है? आपका रेज हुआ है ना? तो विच इज द वन हु हैव इंक्रीज्ड इट्स रेवेन्यू। तो जो रेज हुआ है उस हिसाब से हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो जो फाइंड आउट करते हैं, हमें जो आंसर मिलेगा तो वो क्या मिलेगा यहाँ पे? आंध्र प्रदेश इज द ओनली वन विच हैज इंक्रीज इट्स सेल टैक्स। समझा तेजस्विनी? नहीं समझा रहेगा तो लेट मी नो, डोंट गो ऑन दिस, दिस इज एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है? दिस इज द रियल वन, ठीक है? दिस इज द एक्सप्लेनेशन। कितने लोग को नहीं समझा? तेजस्विनी, डिड यू गेट इट? नहीं समझा रहेगा? नहीं समझा? अच्छा देखो, ये 97 है,
ठीक है, ये 97 टू 98 के आगे अपने को ढूंढना है ना, ये सिंपल आप लिख लो तेजस्वी। ठीक है, तो अब यहाँ पे चार स्टेट्स है, ठीक है, चार स्टेट्स है। तो तमिलनाडु जो है 97 टू 98 में तमिलनाडु का क्या प्राइसिंग है यहाँ पे 5604, दिस इज द कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स। इधर तक समझा आपको तेजस्विनी, 5604 लिखा आपने। अब ये पूरा बार हमको ऐड करना है, 2844 प्लस 3985 प्लस 5604 प्लस 7826 प्लस 3829 प्लस 4402 प्लस 4728, ये सब ऐड करने के बाद एक अपने को डिजिट मिलेगा, वो हमें 5604 के नीचे लिखना है क्योंकि हमें उसे डिवाइड करना रहता है। ठीक है, डिवीजन होता है, तो 5604 डिवाइडेड बाय द एंटायर नंबर इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज आप हमेशा 100 में से निकालते हो, तो 100 में से आप परसेंट निकालोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा। ठीक है, वो आंसर फिर आपको सेम मेथड यहां पे अप्लाई करना है 2001 में, तमिलनाडु 2001 में कितना है 808015, ठीक है, तमिलनाडु कितना है यहाँ पे 8015 डिवाइडेड बाय, ये सारे नंबर्स आपको ऐड करने हैं, ये सारे नंबर्स आपको ऐड करने हैं। जब हम सारे नंबर्स को ऐड करते हो तो जो नंबर मिलेगा वो 8015 के नीचे लिखना है, अपॉन, जैसे अपन डिवीजन करते हैं ना वैसे अपॉन करना है, और इनटू 100 करना है। तो जब आप उसे इनटू 100 करते हो तो आपको एक परसेंटेज मिलेगा, ठीक है, और जब वो परसेंटेज मिलता है तो ऐसे आपको इन चार स्टेट्स के परसेंटेज निकालने, और जब आप ये परसेंटेज निकालोगे तो आपको दिखाई देगा कि आंध्र प्रदेश ही एक ऐसा स्टेट है जिसका 2001 में सेल्स टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया था, बढ़ गया था कितना भाई 14 पॉइंट समथिंग परसेंट। अभी समझा, है ना, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वन, विच पेयर ऑफ सक्सेसिव ईयर शोज द मैक्सिमम ग्रोथ रेट फॉर टैक्स रेवेन्यू इन महाराष्ट्र। सक्सेसिव ग्रोथ रेट, अब तुम लोग ग्रोथ रेट कैसा निकालते हो, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फॉर ग्रोथ, क्या फॉर्मूला है ग्रोथ फाइंड आउट करने के लिए, पढ़ाया रहेगा ना तुमको सुधांशु ने तो मैम ने, व्हाट इज द फॉर्मूला, नहीं पता रहेगा तो बोल दो नहीं पता, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा जो आप ग्रोथ रेट कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। नहीं पता ना, बस आप मेरी जिम्मेदारी, जिंदगी में अगर लाइफ में जिंदगी में स्टेबल रहना है, माइंड को स्टेबल रखना है, तो प्रेजेंट में से पास्ट को सब्ट्रैक्ट करो, और वही ग्रोथ रेट का फॉर्मूला। When you get into relationships also, many a times हम लोग past present confuse कर देते हैं, है ना, तो present में से past को subtract करो, divide by present करो, ठीक है। तो मैं formula बताता हूँ आपको, आपको यहाँ पे successive years का पता चल जाए। ये मेरा पहला वाला एक्सप्लेनेशन था जो मैंने 96 के हिसाब से किया था, एंड दिस शुड बी योर करेक्ट वे। आप कैसा फाइंड आउट करते हो, 97 98 महाराष्ट्र में, 7826 96 का हम लोग पकड़ लेते हैं या पास्ट ईयर का पकड़ लेते हैं, फिर उसका प्रेजेंट ईयर का प्राइस लिखते हैं, क्योंकि हमें ग्रोथ फाइंड आउट करना है, अपॉन प्रेजेंट ईयर इनटू 100, फिर एक परसेंटेज निकल आता है। ठीक है, वैसे ही हर चीज का करते हैं, पास्ट माइनस प्रेजेंट, ठीक है, अपॉन प्रेजेंट इनटू 100, या प्रेजेंट इनटू 100 अपॉन 3.07। तो ये क्या है, 7826 माइनस 7290, मेरे को टेबल देखने दो, होगा ना, व्हाट इज द टेबल, 7290 इज योर पास्ट, और प्रेजेंट महाराष्ट्र का वैल्यूएशन क्या है, 7826 अपॉन 7290 इंटू 100, दैट इज 7.35।
कितने लोग को समझा ये, यहाँ पे इसका 3 आएगा ऑप्शन। कैन यू कैलकुलेट दिस और शुड आई कैलकुलेट इट फॉर यू? वैसे तो मैंने कैलकुलेट कर लिया था बट आई एम टेलिंग। अब 97 टू 98 जो है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है अपना 7826 माइनस 7290, तब आपको एक आंसर मिलेगा, ठीक है, अपॉन, है ना, अपॉन, कितने लोगों को नहीं समझा? स्क्रीन ऑक्यूपाई होती ना, कितने लोगों को नहीं समझा कमेंट करो सो आई कैन एक्सप्लेन यू। सबको समझा क्या कर रहा हूं मैं? Everybody got it? Solution मिलना is not the answer, हाँ? Solution मैंने लिखे है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको, हाँ नहीं समझा रहेगा, you tell me honestly, नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा, ठीक है, I'll explain। महाराष्ट्र में 97 to 98 का मुझे find out basically करना है, what is the question out here? Which pair of successive years shows the maximum growth rate for tax revenue in Maharashtra? तो 97 to 98 लिखा है, 98 to 99 लिखा है, 99 to 2000 लिखा है, 2000 to 2001 लिखा हुआ। तो 97 to 98 अगर मेरे को find out करना है, तो 97 to 98 में value क्या है महाराष्ट्र का? 7826। इसमें से मैं 7290 को subtract कर देता हूँ। That is the formula। है ना, 7826 में से 7290 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ अपॉन 7290 अपॉन दी पास, और वो करने के बाद इनटू 100 कर देता हूँ, तो आपको क्या परसेंटेज आता है? कैन यू जस्ट कैलकुलेट दैट? मैंने लिखा फिर भी, यू गेट अ परसेंटेज, दैट इज अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ ग्रोथ रेट। प्रेजेंट माइनस, एनीबडी एनी क्वेश्चंस? निधि यहाँ पे ये हर चीज का मैंने वैसे ही कैलकुलेट किया है, वो लोग ने खुद यहाँ पे दिया हुआ है ना, 97 टू 98, 98 टू 99, 99 टू 2000, 2000 टू 2001, इन सब में। तो मैं जब 98 99 में जाता हूँ, तो मैं इस फिगर्स के, यहाँ के फिगर्स के महाराष्ट्र के साथ मैं सब्ट्रैक करता हूँ अपॉन पास्ट कर देता हूं इनटू 100 कर देता हूं, सो यू गेट दी आंसर्स हर जगह पे। सो 8067 माइनस 7826 अपॉन 7826, सो 8067 आपका ये प्रेजेंट वैल्यू है, पास्ट वैल्यू क्या है? 7826। सो 8067 माइनस 7826 अपॉन 7826 इनटू 100, सो दैट विल बी योर आंसर। ग्रोथ कैसे फाइंड आउट करें? आप आपका एज कैसे कैलकुलेट करते हो? दो साल पहले में क्या था? यू ऑलवेज कंपेयर विद योरसेल्फ विद द लास्ट ईयर, राइट? दैट इज हाउ यू कैलकुलेट योर ग्रोथ रेट, नो? समझ रहा है आपको कि नहीं समझ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, आप भी, मैंने आपको कैट मॉक्स लाइव कर दिए, तो आप 25 मॉक्स है, 25 मॉक्स में से आप फर्स्ट मॉक के साथ आपका सेकेंड मॉक कंपेयर करोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं कंपेयरिंग फिगर चाहिए। तो 97 का महाराष्ट्र के फिगर्स को मैं 96 के महाराष्ट्र के साथ माइनस कर देता हूँ अपॉन, यही नंबर्स को डाल देता हूँ इनटू 100 करता हूँ, तो एक आंसर आ जाता है 7826 माइनस 7290 अपॉन 7290 इनटू 100, द आंसर इज 7.35। एक बार चेक कर लो इफ आई हैव डन इट करेक्ट, क्योंकि इतना सब टाइप करते करते कभी कभी मैं गलत भी टाइप कर सकता हूं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई नीड टू बी करेक्ट ऑलवेज, नो? सो व्हाट विल बी द आंसर? वैसे कैलकुलेट करके क्या आंसर आएगा आपका? 27.4 है, नो? मैक्सिमम 25, 99 टू, इसमें हम लोग ने ज्यादा ग्रोथ किया है, सो हमारा कौन सा ईयर को हम कलेक्ट करेंगे? 99 टू 2000 विल बी आर करेक्ट आंसर। कितने लोग को ये नहीं समझा और यू गॉट इट?
जो भी हो, आपको समझा रहेगा लिखो समझा, नहीं समझा रहेगा लिखो नहीं समझा, आई विल एक्सप्लेन। इसमें कुछ ज्यादा मैथ्स है नहीं, अब्रार आपको समझा, अब्रार संतोषी गुंजन वांशिका गेटिंग इट राइट, कोई डिफिकल्टी? वेरी गुड संतोष। आइडेंटिफाई द स्टेट हुज टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज एग्जैक्टली बाय द सेम अमाउंट इन द टू सक्सेसिव पेयर ऑफ योर्स। कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज एग्जैक्टली बाय द सेम इन द टू सक्सेसिव पेयर ऑफ ईयर्स। कौन से थे यहाँ पे? कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। करो क्या आएगा? कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये चार ही है। यस, ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेट हुज टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज्ड एग्जैक्टली बाय द सेम अमाउंट इन द टू सक्सेसिव पेयर ऑफ इयर्स। मतलब सेम अमाउंट से ग्रोथ हुआ है, तो आपको वही करना है, माइनस। यहां पे ग्रोथ रेट नहीं करना है, सिर्फ आपको ग्रोथ मेजर करना है। और चार जगहों पे ही करना है, दैट इज कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। क्या आएगा ये? क्या ग्राफ दिखा रहा हूं? बहुत सिंपल है, विच ईयर, दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट ना। सब्ट्रैक्ट करना है सिर्फ वैल्यू, पास्ट और प्रेजेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। दो साल का कैलकुलेट करके देखो कितना फिगर्स आता है, अगर सेम नंबर्स रहा तो दैट इज द स्टेट। कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं करना है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। ए दरवाजा खोल, कौन आया?
वेरी गुड वामशी, इतना फास्ट, वेरी गुड गणेश, गुड वांशिका। वांशिका, व्हाट डज इट मीन योर नेम, व्हाट डज इट मीन? वेरी गुड गौरव, के ए के ए के ए के ए जुगल, के ए के ए के ए के ए के ए, जबरदस्त, एवरीबडी ऑन ट्रैक। हा, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या आ रहा है दोनों का? 574, वेरी गुड। हाँ, तुम लोग ने सबका कैलकुलेट किया कि सिर्फ एक का ही किया? वेरी गुड गौरव, सबका कैलकुलेट किया। हाँ, सबका किया, सबका किया, सबका किया, फर्स्ट का ही किया, सबका किया, किसका किया, हर किसी का तुम लोग ने अप्लाई किया क्या? ओनली फर्स्ट वांशिका, वेरी गुड। टीएन के बाद के ए का किया, फर्स्ट का ही किया, वेरी गुड, वेरी गुड। सो व्हेन यू लुक फॉर कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ना, उनका क्या है, टू सक्सेसिव पेयर ऑफ ईयर्स। तो सिर्फ यहाँ पे एक बार ग्राफ चेक कर लोगे ना तो भी आपको दिखाई देगा, ठीक है, कि ये देखो ये डिजिट्स कैसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं। अगर मैं तमिलनाडु बोलूँ तो इट इज़ 5356, तो तीन और छः सेकेंड डिजिट देखने का सर, थ्री उसके बाद सिक्स, सिक्स के बाद वन, तो ये सक्सेसिव यहाँ पे नहीं हुआ। वन के बाद सेवन नहीं आता है, सेवन के बाद एट, तो ये सक्सेसिव पीरियड इसका तमिलनाडु का नहीं है। नेक्स्ट क्या था अपना, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं सिर्फ, वेस्ट बंगाल, अगर मैं वेस्ट बंगाल का भी देखूँ तो वेस्ट बंगाल ये वाला है, सो सेवन, सेवन के बाद एट, एट के बाद वन, वन के बाद फाइव, फाइव के बाद थ्री। अगेन इसका जो तुम लोग कैलकुलेशन, ये चलो फाइव थ्री एक बार ठीक है, ये वन फाइव भी एक बार ठीक है, तो वेस्ट बंगाल अगर तुमने कर भी लिया तो चलेगा। और नेक्स्ट वाज उत्तर प्रदेश, अगर मैं उत्तर प्रदेश का भी देखूँ यहाँ पे, सो 34 के बाद 39, सो इट्स लाइक 35, 36, 37, 38, 39, 44, है ना, 52, 63। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये डिजिट्स ही अलग रहते हैं, समवेयर योर डिजिट्स में भी आपको दिखाई देगा कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो यू जस्ट डोंट हैव टू डू इट, ये हम लोग के ट्रेनर ने हमें सिखाया था एक टाइम, और एक बार तुम्हें आंसर मिल गया है, दैट्स इट, यू डन विद इट, यू डोंट हैव टू सॉल्व दी अदर क्वेश्चंस। ठीक है, डन, किसी को इस पे सवाल, कोई क्वेश्चंस? ए दरवाजा खोल। Which state below has been maintaining a constant rank over the years in terms of its contribution to the total tax collection? Very good Tejas, है ना, सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, you don't even have to solve it. लगा ही था भाई। कितने लोगों को नहीं समझा, anyone who didn't understand? If you didn't understand, let me know. आधा ही समझा क्या, कौन सा वाला आधा समझा, क्वेश्चन फिफ्थ के क्वेश्चन सिक्स? वामशी तेरा माइक ऑन है, वो ऑफ कर दे। तेजस्विनी कौन सा नहीं समझा आपको, फिफ्थ क्या सिक्स? फिफ्थ वन, identify the state whose tax revenue increased exactly by the same amount in the two successive pair of years. तो हम के को कैसा उनको आंसर मिला है वो मैं बताता हूँ, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करो, ठीक है, फिर इन दोनों का फाइंड आउट करो, फिर इन दोनों का फाइंड आउट करो, और इन दोनों का फाइंड आउट करो।
इनमें से दो ऐसे आते हैं जहां पे आपको फाइव, कौन से ईयर में आपको 574 मिला था? कौन से ईयर में यू गॉट 574? ओए 99 2000 में ना? हाँ, तो ये ईयर में आपको अगर कर्नाटका का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको एक डिजिट आ जाएगा। अभी के अभी मोबाइल पे करके देखो। आया तेजस्विनी आंसर? मिला आंसर तेजस्विनी आपको? 4839 कर दो, -4265 कर दो। वो है, मिला कि नहीं, समझा ना? पक्का समझा कि नहीं? ऐसे ही बोल रही हो? सिर्फ सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है आपको वैल्यूज, तो आप ऐसा हर किसी के वैल्यूज अगर आप सब्ट्रैक्ट, हाँ, तो ऐसा सबका वैल्यूज आप जब सब्ट्रैक्ट करते जाओगे ना तो आपको एक आंसर मिलेगा, ठीक है? और वो सिर्फ कर्नाटका का मैच होता है, टू सक्सेसिव ईयर्स, दैट इज बैक टू बैक, दैट इज 574। और सिक्स्थ वाला हमारा जो टेबल है दैट इज, उसमें लिखा हुआ है दैट इज तमिलनाडु इज दी फर्स्ट, मतलब उसका रैंक चेंज भी नहीं हुआ, सो तमिलनाडु इज दी आंसर। ठीक है, कितने लोगों को नहीं समझा अभी भी, और किसको समझा रहेगा? तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सिर्फ ऑब्जर्व करके आपको लिखना है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन दिस, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व दिस एंड यू हैव टू राइट। सबको दिख रहे हैं यहाँ पे फिगर? संतोषी, अब्रार, निधि, यस, टीएन, टीएन वांशिका, टीएन। हाँ, इससे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी आंखें कितनी तेज है, ठीक है? अभी राइस देखो, तुम्हारी आंखें यहां से हम जज करेंगे, और मैं फिर आपको आपका चश्मे का नंबर भी बता दूंगा, 0.5 लगा है, 1 लगा है, उस हिसाब से चश्मा बनवा लेना तुरंत, ठीक है? तू क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर, फिर बताऊंगा कितने इससे तुम मिस कर रही है, कितना बड़ा आंसर मिस करेगी ना, फिर मैं बताऊंगा। अरे ऐसा है कि मोती बिंदु है, हाँ वो भी। पहले से चश्मा, फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ यू कैन यूज टेलीस्कोप। ठीक है, देखो चश्मा, अरे चश्मा इट्स लाइक, अच्छे लगते हैं यार लोग चश्मा में, यू नो, चश्मिश लड़कियां बोलते हैं ना, द लुक वेरी नाइस, ऐसा है जैसे कहते हैं। नहीं, अच्छा चलो, नहीं तो नहीं, चश्मा है पहले से, चलो उसमें कांच थोड़ा बड़ा डाल देना, मोटा वाला लगेगा अभी। गर्ल्स लुक गुड इन चश्मा है समवेयर, मैं तो बोलता हूँ नहीं रहेगा तो भी बनवाई लो, वैसे भी इस क्वेश्चन के बाद बनवाना ही पड़ेगा। चलो कोशिश करो। व्हाट इज द फर्स्ट वन ड्यूरिंग 1996? हेलो सर, हाँ बोल। हाउ कैन वी डिटरमाइन द व्हिच वन इज द फर्स्ट, गाइस, लाइक देन राइस इज द फर्स्ट क्वांटिटी और द ओनियन इज द फर्स्ट? नहीं, उसमें कोई क्वांटिटी फर्स्ट, वो सिर्फ ये दिया है रे, रैंकिंग दी है, इसमें फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं करना है। सी, 96 से 2002 में द नंबर ऑफ कमोडिटीज इज एक्सिबिटेड अ नेट ओवरऑल इंक्रीज एंड नेट ओवरऑल डिक्रीज रिस्पेक्टिवली आर। इंक्रीज मतलब ग्राफ कौन सा ऊपर जा रहा है, डिक्रीज मतलब कौन सा नीचे आ रहा है, तो वो हमें देखने, कितने हैं जो ओवरऑल
इंक्रीज होते गए हैं या डिक्रीज होते गए, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो दो दो कॉमोडिटीज है जो ऊपर गए और चार नीचे आए, या चार कॉमोडिटीज है जो ऊपर गए और दो नीचे आए, या पांच कॉमोडिटीज है जो ऊपर गए एक नीचे आया। सो थ्री इज लाइक ऊपर गया, तीन इज लाइक नीचे आया। वैसा गुड क्वेश्चन तेजस। गणेश समझ रहा है ना गणेश आपको? वेरी गुड गणेश। वेलकम मिस्टर अमित भोर, हाउ आर यू डूइंग टुडे? कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, तब तक तुम लोग ढूंढो। ऑफकोर्स आई विल एक्सप्लेन। तुम लोग आलसी लोग हो और ज़्यादा आड़ा टेढ़ा ग्राफ देखा बोलेंगे भाई एक्सप्लेनेशन ही सुनते हैं, बाद में का बाद में देखेंगे, वैसा मत करो। यस वेरी गुड तेजस, गो फॉर इट। बालकनी में बैठ फिर, घर में मत बैठ। एक एक ग्राफ देखो, एक जन जैसा फॉर एग्जांपल राइस है तो राइस को फॉलो करो और बताओ। रितिका ऑप्शन टू, तो एक एक ऑप्शन फॉलो करके बताओ इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, हाउ इज इट? तीन इंक्रीज हुए, तीन डिक्रीज हुए, वांशी सेज ओके। गणेश सेज थ्री एज द ऑप्शन। थ्री थ्री ओके। वन इज नॉट द आंसर, चलो वन इज नॉट द आंसर। चलो टू इज नॉट द आंसर। During 96 to 2002, the number of commodities that exhibited a net overall increase and a net overall of decrease respective were, yes Yashita, हाँ गौरव कुछ बोलना चाहता है? सर अगर जो फ्लैट लाइन है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? आवाज नहीं आया, समझा नहीं। जो फ्लैट लाइन है सर ग्राफ में उसको क्या कंसीडर करेंगे? फ्लैट लाइन देख कहाँ से, पूरा एग्जैक्टली फ्लैट नहीं रहेगी वो, कहीं से होकर फ्लैट हुई रहेगी या फिर ऊपर जाते हुए रहेगी। और कोई भी फ्लैट लाइन नहीं, हल्का सा ऊपर नीचे रहेगा। ये लाइंस देखो, इस लाइंस को फॉलो करो। हम्म,
अभी ये राइस को देखो, राइस ठीक है, ये ट्रायंगल जो है राइस, किधर है ट्रायंगल राइस, ये है 96 में यहाँ से शुरू हो गया था, लाइन के ऊपर है ऑलमोस्ट, ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर थोड़ा सा हल्का सा नीचे आया यहाँ पे, और फिर लाइन के ऊपर है राइस, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे होते रहा है राइस यहाँ पे, ठीक है, तो ये कहीं पे भी इस लाइन के नीचे नहीं गया, तो वो डिक्रीज नहीं हुआ, वो डिक्रीज नहीं हुआ, इट हैज़ ऑलवेज बीन डाउन बट इट हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। दाल का देखो, दाल किधर है, इधर है, यही है ना, हाँ यही है दाल। तो दाल यहाँ पे 30 से शुरू हो गया, फिर नीचे आया, फिर 40 पे गया, फिर 30 के ऊपर आया, फिर इधर आया, और फिर 30 के नीचे आया, तो दाल तो नीचे आ गया है, ठीक है, तो एक तो डिक्रीज हो चुका है, ठीक है। एडिबल ऑयल देखो, एडिबल ऑयल इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, बताओ। एडिबल ऑयल इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, तुम लोग बताओ ग्राफ देख के। डिक्रीज हुआ है, तो दो चीजें तो मेरे को डिक्रीज होते हुए दिख रही है, अब दो चीजें डिक्रीज मेरे को कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है, बस तो फिर हो गया ना, क्यों लोड लेना है लाइफ में, लाइफ में लोड क्यों लेना है। थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लो, चलो ठीक है। राइस मुझे ऊपर दिखा था, ऑनियन की तरह ये कांदा लग रहा है मेरे को, ये जीरो है ना, हाँ ये देखो ग्राफ के नीचे से शुरू हो गया था, ये ऊपर जाके गया, ठीक है। चिलीज क्या है ये देखो, दिख ही नहीं रहा है, मतलब खाने के बाद कुछ दिखता नहीं ना, वैसा हो जाता है। हेलो सर, यस, परत एकदा सांगा ना प्लीज। देखो तुम लोग ना, तुम लोग ना ज्यादा लोड मत लो, ठीक है, लोड मत लो, ग्राफ को धीरे से एग्जामिन करो। ये प्राइजेस लिखा हुआ है, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। क्वेश्चन क्या है, कौन से ऐसे कॉमोडिटीज है जो इंक्रीज हुए है, नेट ओवरऑल इंक्रीज एंड नेट ओवरऑल डिक्रीज। सो ये जो दो दो नंबर्स है ना, तो उसमें से ये पहला वाला नंबर इंक्रीज है और दूसरा वाला नंबर डिक्रीज है, इतना समझा, इतना समझा ना, कि ये पहला वाला नंबर विल बी योर इंक्रीज एंड दिस वाला नंबर विल बी योर डिक्रीज। कारण सवाल कैसा पूछा है, नेट ओवरऑल इंक्रीज एंड नेट ओवरऑल डिक्रीज, तो दो नंबर एक इंक्रीज है और दूसरा वाला डिक्रीज है, ये मतलब हमें समझना, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज कॉम्प्रिहेंशन, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहला चढ़ जाता हूँ राइस पे, ठीक है, मेरे को चावल पसंद है, बिरयानी खाना है आपने को, तो अपन देखते हैं राइस किधर है, राइस ये ट्राइंगल वाला, ये डायमंड वाला शेप में राइस है, अब ये 10 रुपए के ऊपर शुरू हुआ है यहाँ पे राइस, ठीक है, ये 10 के ऊपर शुरू हुआ है, फिर 10 के नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर बीच में यहाँ पे थोड़ा सा पैरेलल रहा है बट ऊपर रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, फिर लाइन के 10 के नीचे आया है, मे बी 9.5 रुपया हुआ रहेगा, पर वापस ऊपर गया। सो इट हैज ऑलवेज शोन एन इंक्रीज टिल 2002, ठीक है, इतना समझा सिद्धि आपको। अब राइस के बाद में चढ़ जाता हूँ दाल पे, है ना, दाल राइस फेवरेट है, तो अब दाल का मैं क्या देखता हूँ, ये सर्कल वाला है दाल, ठीक है, ये 30 रुपये से शुरू हो गया, फिर ड्रॉप हो गया, फिर 40 पे गया, फिर 30 के ऊपर आगे रहा है, फिर 30 के नीचे आया है, ऊपर गया, फिर 30 के नीचे आ चुका है, सो इट हैज शोन एन ओवरऑल डिक्रीज इन द ग्राफ, क्योंकि शुरू कहाँ से हुआ है, 30 से, नुकसान पे गया ना दाल तुम्हारा, तो ये नुकसान में है। सो मेरे दिमाग में क्या आता है कि यार लेट्स एग्जामिन कौन से पॉजिटिव्स है और कौन से नेगेटिव्स है, मतलब कितने इंक्रीज है और कितने डिक्रीज है, ये मैं सोचते रहता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, चलो दाल मुझे एक नेगेटिव मिली, राइस मुझे हाई मिला, अब मैं जाता हूँ एडिबल ऑयल पे, एडिबल ऑयल है ट्राइंगल वाला शेप, अब एडिबल ऑयल ये ट्राइंगल वाला शेप 70 रुपये से चालू होता है, 70 रुपये से आता है, फिर 60 के नीचे आता है, 60 के आसपास, 60 के आसपास जो एकदम नीचे आता है, फिर इधर इधर इधर,
तो ये पॉइंट और ये पॉइंट देखो, एडिबल ऑयल क्या है, नीचे ही है. सो सेकेंड कॉमोडिटी इज ऑल्सो गोइंग वॉट, शोइंग वॉट, डिक्रीज, ओवरऑल डिक्रीज, नेट ओवरऑल डिक्रीज. अब मैं ऑप्शन में देखता हूँ नेट ओवरऑल डिक्रीज, मुझे दो कहाँ पे दिखाई दे रहा है. नेट ओवरऑल डिक्रीज मुझे दो सिर्फ ऑप्शन थ्री में दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं बाय डिफॉल्ट ऑप्शन थ्री क्लिक करता हूँ. मैं आगे का सोचता ही नहीं हूँ. इनकेस मैंने आगे का सोचा भी टू क्रॉस वेरीफाई, विच आई विल डू इट फॉर यू, तो मैं देता हूँ अंडे, है ना, रोज खाओ अंडे. सो दिस इज द एग. एग कहाँ से शुरू हो गया है, ये लाइन को चिपक के शुरू हुआ है एग, और देखो कैसा इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और फिर भी ऊपर ही है, यहाँ पे चिपका नहीं है या ये लाइन के नीचे नहीं गया है. चिलीज, है ना, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, ये कहाँ से, 50 से शुरू हो गया, वेयर डज इट एंड, 50 के ऊपर हो रहा है. सो अगेन दिस हैज शोन दी इंक्रीज ओनली, है ना. और ऑनियंस का भी तुम देख लो, ऑनियंस ये है, ये नीचे से शुरू हो गया और ऊपर एंड हो गया. सो 4 आर इंक्रीज, 2 आर डिक्रीज. कितने लोग को नहीं जम्मू, नहीं समझा, नहीं जमा, समझा सिद्धि, समझा क्या? ओ सर. समझा, वेरी गुड, स्मार्ट हो तुम लोग. थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है सर. ओके अक्षत, आई टेल यू अगेन. देखो मैं क्या हूँ ना, लाइफ में थोड़ा सा शॉर्टकट लेता हूँ और थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ, ये मेरा नेचर है, ठीक है. मैं लाइफ में थोड़ा सा शॉर्टकट लेता हूँ और थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ. नुकसान हुआ मेरा, फ़ायदा हुआ मेरा, तो वो मैं वो चीज़ से मैं तुम्हें ये चीज़ समझा रहा हूँ मेरे नेचर के हिसाब से. क्वेश्चन क्या है अक्षता, कि 96 से लेके 2002 तक, ये 96 है बराबर और 2002 तक, कौन से ऐसे कॉमोडिटीज़ है, रिस्क है तो इश्क है, सरस छे जुगल भाई, सरस छे 96 to 2002, है ना. तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, कौन से कॉमोडिटीज, विच आर दी कॉमोडिटीज, राइस, दाल, एडिबल ऑयल, एग. मैंने भी देखा इसलिए मैं बोला सरस छे, राइस, दाल, एडिबल ऑयल, एग, चिलीज, ऑनियन, ये है 6 कॉमोडिटीज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. अक्षता दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे, राइस, दाल, एडिबल ऑयल, एग, चिलीज, ऑनियन, है ना, दिखाई दे रहे, राइट. अब मैं क्या करता हूँ, हमें ये देखना है किसने ओवरऑल इंक्रीज किया है, किसने नेट ओवरऑल डिक्रीज किया. डिक्रीज मतलब क्या है, ये प्राइसिंग की रेवेन्यूज है ना. फॉर एग्जांपल अक्षता, आपको किसी ने 100 रुपये दिए और कहा भाई इसका मुझे एक का डबल करके ला रहे बाबा, अभी तू 100 के जगह 50 लेके आएगी, तो तुमने क्या किया है, वैल्यूएशन को डिक्रीज किया है कि इंक्रीज किया है, डिक्रीज किया है, क्योंकि 100 के नीचे आ गई हो. पर अगर 100 के ऊपर गई, 150 किया, 200 किया, तो क्या किया आपने, इंक्रीज किया है, बराबर है. इधर तक समझा आपको अक्षता, है ना, वेरी गुड. नाउ इट विल बी इजी फॉर यू. अभी ये राइस को देखो, ठीक है ना, राइस कहाँ से शुरू हो गया था, 10 रुपीज के ऊपर से, है ना, ये लाइन के ऊपर है, नीचे का तुम्हें दिख नहीं रहा है तो तुम सोचो भी मत. तो ये लाइन के ऊपर से उसने शुरू किया है, कहाँ पे एंड हो रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये सर्कल के पीछे है, मतलब इधर ही है वो, ये लाइन के थोड़ा नीचे आया है बट वापस 10 रुपीज के ऊपर चला गया, मतलब जहाँ से शुरू किया था वहीं पे खत्म हो गया. सुबह उसे हम डिक्रीज कहेंगे क्या बाय एनी चांस, नो, है ना, पर डिक्रीज होके इंक्रीज हुआ है. सो वी कंसिडर इट एज एन कॉमोडिटी विच एज ए नेट ओवरऑल इंक्रीज. इधर तक समझा, 10 के नीचे नहीं गया है ना, मतलब तुझे 100 रुपया दिया, तू घाटा वाटा हो गया, फिर तूने सिद्धि से, तेजस से, यहाँ वहाँ से, कृपा से, आदित्य से, सबसे पैसा जमा करके 100 रुपया कैसे तो जमा कर लिया, तो मैं तेरे को बोलूँगा कि ठीक है ओवरऑल नेट इंक्रीज ही है. समझा इधर तक अक्षता, है ना, यस, समझा. अभी दाल है, अभी इस दाल को देखो, 30 रुपये के ऊपर शुरू हो गई थी, फिर नीचे आ गई, फिर एकदम ऊपर गई, फिर बीच में आई, इधर आई, इधर आई. अभी ये सर्कल, ये स्क्वायर देखो, ये 30 के नीचे दिखाई दे रहा है ना आपको, इट इज स्लाइटली लो, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, स्लाइटली लो है ना, तो वो डिक्रीज हुआ है फिर, है ना, 30 रुपये के नीचे गिरा उसका भाव, तो 30 के नीचे भाव गिरा तो क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया. जैसे जुगल वो शेयर मार्केट, तुमने हर्षद मेहता स्कैम देखा रहेगा, तो भाव गिर गए हैं दाल के, तो बेसिकली ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हुआ है. सो नेट ओवरऑल डिक्रीज किसका हुआ है,
दाल का हुआ। आई गो विद द नेक्स्ट वन इज एडिबल ऑयल। अब एडिबल ऑयल ये ट्राइंगल शेप कहाँ पे, यहाँ पे 70 के ऑलमोस्ट लाइन पे शुरू हुआ है, एंड देख कहाँ पे हुआ है, 60 पे हुआ है। तो डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है अक्षता? डिक्रीज हुआ है ना, वेरी गुड। तो ये दो जन वहां पे डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो अब चलो नेक्स्ट वन जाते हैं एडिबल ऑयल पे। अब एग को देखो, एग किधर है, इधर है, ठीक है। एग यहां से शुरू होता है, यहां पे आता है, यहां पे आता है, ये लाइन पे था एग, देखो 20 के एग्जैक्ट लाइन पे है एग, यहां से शुरू हुआ। अब ये लाइन के थोड़ा सा ऊपर ही है ना एग, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा, ये इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है, एग भी इंक्रीज हुआ है ना। तो अभी कितने हो गए आपके, तीन इंक्रीज हो गए हैं और दो डिक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो तीन इंक्रीज हुए हैं और दो डिक्रीज हुए। तो विच इज द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन सेलेक्ट आउट ऑफ दिस विदाउट सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस, क्यों आंखें खराब करनी। सो द बेस्ट ऑप्शन कैन बी थर्ड दैट यू कैन सेलेक्ट, और इसलिए हम थर्ड को करेक्ट करते हैं, दैट इज द थर्ड इज द करेक्ट आंसर। कितने लोग को नहीं समझा, इजी है ना, देयर इज नो मैथ्स, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। गुंजन, कृतिका, कार्तिकी, वांशिकी, वांशिका, यशिता, समीर, समीर है कि नहीं यहाँ पे, गणेश, क्षितिज, समझा आपको, वामशी, कार्तिकी, वेरी गुड, गॉट इट, गॉट इट। परफेक्ट है ना। इज इट डिफिकल्ट, कहीं पे भी लग रहा है डिफिकल्ट, आपको सिर्फ थोड़ा ध्यान से देखने हैं फिगर्स को। चलो ये एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपन छोड़ देंगे सेकंड और थर्ड, उसके बाद वी विल टेक अ ब्रेक। कल मैं फिर से मिलूंगा आपको, ठीक है। द नंबर ऑफ कमोडिटीज दैट एक्सपीरियंस द प्राइस, एक डाउट है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये दो क्वेश्चन करते हैं फिर अपन डाउट सॉल्व करते थे जिसमें, ठीक है। द नंबर ऑफ कमोडिटीज दैट एक्सपीरियंस द प्राइस डिक्लाइन फॉर टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स इज, कौन सा है, ग्राफ देखो और बताओ। ऑप्शन बताओ, 1 2 3 4, कौन सा ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन फोर, ये तुम लोग आंसर फोर बता रहे हो कि ऑप्शन फोर बता रहे हो बे। ऑप्शन फोर, हाँ वैसा लिखो, ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर। तेजस, तेजस ने आंसर दिया कि नहीं दिया। अदिति, वैशाली, अक्षता, क्या दिया, थर्ड ऑप्शन, व्हाई थर्ड, पाइलन है ना मी, ना बोल सिद्धि, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, वेरी गुड अक्षता। अदिति योर आंसर, the number of commodities that experienced fourth option, fourth option, very good Aditi, for two or more consecutive year is, कौन से ऐसे commodities जिसने consecutive years, two or more consecutive years में price decline दिखाया है। तो जो लोग को option fourth मिला है, that is the correct answer. अब मुझे बताओ, व्हाई डू यू थिंक इज थ्री, इतने लोग को नहीं मिला आंसर,
मुझे तो गारंटेड चश्मा लग गया भाई, मैं स्क्रीन भी यूज नहीं करता। किसी को डाउट्स है तो पोस्ट लेक्चर अपन पूछते हैं, क्योंकि दो ही सवाल के डाउट्स रहेंगे आपको। फोर लाइंस और डिक्लाइंस, कौन सा फोर लाइंस है? प्राइस डिक्लाइन फॉर टू और मोर इयर्स, वो ढूंढना है। नहीं, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फिफ्थ, देयर आर फाइव कमोडिटीज व्हिच हैव एक्सपीरियंस्ड अ डिक्लाइन। ठीक है, इधर गया। एक्सप्लेनेशन बोर्ड, ठीक है, हाइड हुआ रहेगा। चलो मैं आता हूं उस पर, आई विल एक्सप्लेन यू, बट लेट्स गो विद द क्वेश्चन नंबर थ्री। फॉर विच कमोडिटीज डिड द प्राइस इंक्रीज इमीडिएटली फॉलो अ प्राइस डिक्लाइन ओनली वंस इन दिस पीरियड? गणेश सेज इज ऑप्शन फोर, एग एंड ऑनियन। Only onion. Why not option 4? Why only onion? एक का प्राइस नहीं दिख रहा है, एक भी तो हुआ इंक्रीज। जस्ट चेक द ग्राफ, चेक द ग्राफ एंड टेल मी, एक इंक्रीज में है कि डिक्रीज में है? इधर दो बार डिक्लाइन हुआ है, फॉर विच कॉमोडिटीज डिड अ प्राइस इंक्रीज इमीडिएटली फॉलो अ प्राइस डिक्लाइन ओनली वंस इन दिस पीरियड? मतलब ऐसा ऐसा ग्राफ नहीं चाहिए, ओनली वंस इन दिस पीरियड, तो कौन सा आएगा उसमें? सो इफ आई चेक विथ ऑनियन, आई गो If I check with onion, ठीक है, तो onion का प्राइस यहाँ पे गिर के यहाँ पे उड़ गया है, ठीक है ना, यहाँ से गिर के यहाँ पे उड़ गया है। Eggs का अगर मैं गिनूँ, या चलो for example आप बोलते हो rice, दाल, या eggs का गिन लेते हो, because आपको थर्ड और फोर्थ में प्रॉब्लम है, तो eggs का यहाँ पे, हाँ तो eggs का यहाँ पे गिर के यहाँ पे उड़ गया है, ठीक है, only once in the period, है ना, क्या बोल रहा है, follow price decline immediately, price increase commodities जिधर price increase immediately follow a price decline, immediately follows a price decline, immediately follows a price decline, है ना, तो वो हमें एक ढूंढ के निकालना है। तो egg and onion अपने को दिखाई दे रहा है कि there is a price decline उनका, एक का भी तो है, एक का क्यों नहीं है? हेलो सर, हाँ बट एक में फिर से डिक्लाइन हुआ है ना आगे जाके, दे हैव व्हाट दे हैव सेड ओनली वंस इन दिस पीरियड, हाँ तो ओनली वंस इन दिस पीरियड, तो उस पीरियड को एक साल के टर्म पीरियड में आप देखो ना, मतलब सी इफ यू सी दैट एंटायर ग्राफ में देयर इज ओनली ऑनियन एंड एग व्हिच इज नॉट डिक्रीज, गिरा नहीं है नीचे। ऑनियन इज लाइक, अब तुम ऑनियन बोल रहे हो वंस ही डिक्रीज हुआ है करके, अच्छा तो तुम लोग उसको ऐसे पकड़ के ऐसे सोच रहे हो कि ये ऊपर 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 ही जा रहा है करके,
So that is the way. For which commodities did a price increase immediately follow a price decline only once in the period? Follow a price decline only once in this period. Price increase follows a price decline. So what we have done, we have taken a 1 year period. That's why we chose like अभी 1998 में ओनियन ऊपर था 1999 में डिक्लाइन हुआ उसके बाद 2000 में इंक्लाइन है 1 में इंक्लाइन है 2002 में इंक्लाइन है बट एग्स में ऐसा नहीं हो रहा ना एग्स में फिर से इंक्लाइन होके फिर से डिक्लाइन हो रहा है व्हिच कमोडिटीज डिड अ प्राइस इंक्रीज इमीडिएटली फॉलो अ प्राइस डिक्लाइन इमीडिएटली फॉलोस अ प्राइस डिक्लाइन इंक्रीज होके इमीडिएटली फॉलोस अ प्राइस डिक्लाइन Only once in this period. Price decline पे हमें ज़्यादा देखना है commodity जो price increase immediately follows a price decline. ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो price increase कहाँ पे हुआ है x का यहाँ पे हुआ है this is the highest price of x और उसके बाद वो नीचे ही है ठीक है onion का highest price is this followed by a price immediately price decline. ठीक है and it has not reached the highest point. So if I calculate with rise also, ये हुआ है फिर ऊपर गया है फिर बहुत नीचे है. You think only onion is the one we think has got the correct pricing. कितने लोग को ये आंसर फोर्थ मिला है? Why do you think it is fourth? And why do you think it is three? अबे तेरी कहाँ चल हेलो व्हाट इज द डिफरेंस नाउ थ्री और फोर में जब हम देख रहे हैं सो व्हाट डू यू थिंक इट इज थ्री वर्सेस फोर कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है एग एंड ऑनियन है कि ओनली ऑनियन है यशिता वाई फोर Why four, Yashita? Three. दोनों दिख रहे हैं. Egg B, price decline हो रहा है. After immediately price increase के बाद immediately follows a price decline. Price increase immediately follows a price decline. नहीं यार. 2001 to 2002 price increase होके decrease हुआ x के ऊपर ठीक है चलो ये question को अपन solve करते हैं ठीक है tomorrow anyways we will come and meet let's comprehend अब मैं थोड़ा इस पे वापस onion और egg और onion के बीच में मैं थोड़ा सा मैं भी अटक गया हूँ so let me see and check out क्योंकि मुझे initially जब मैं कर रहा था तो मुझे egg and onions मिले थे Maybe I may be wrong on that, but let me come with a proper solution to it. So tomorrow we will meet again and discuss on this. कि हम लोग ये question पे अटक गए थे क्या? ठीक है, so I'll mark this that needs to be solved again, and we will solve this again tomorrow, and then we'll solve the other question. इसके आगे के question में किसी को doubts था? ये दो पे किसी कोई डाउट है ये दो क्वेश्चंस पे नो नो चलो डन नो प्रॉब्लम्स तो हम कल इस पे वापस मिलते हैं ठीक है एंड वी विल थिंक तेजस यू आल्सो थिंक मीनवाइल एंड वी ऑल थिंक एंड वी विल अगेन कम स्टार्ट फ्रॉम योर एंड टुमारो विल ट्राई टू फिनिश एज अर्ली एज पॉसिबल कितने हम बहुत सारे क्वेश्चन है क्योंकि सो वी कांट वेस्ट दैट मच ऑफ टाइम तो थोड़ा हम लोग कल फास्ट कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा जल्दी चलेंगे ग्राफ पे फोकस करते रहो ठीक है मैं ये शीट भी आपको मेल करता हूँ सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कल हम थोड़ा सा प्रिपेयर होके भी क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ठीक है डन सो सी यू टुमारो बाय 8 o'clock एंड वी विल सॉल्व एंड वी विल डिस्कस ऑन दिस टिल देन बाय बाय टेक केयर